भाई आज मैं आपके साथ बिल्कुल यूनिक तरीके की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो सबसे पहले मिठाई का लुक देखिए, देखने में लग रहा है ना 1000-1200 वाली, और सिर्फ दो चीज़ों से ही मिठाई बन के तैयार होगी। इसमें ना मैदा, ना मावा, ना मिल्क पाउडर, ना सूजी, ना चाशनी, और फिर भी मिठाई देखिए कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स इसे देखने के बाद कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा, देखते ही बनाएगा। तो चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नहीं किया वीडियो को लाइक, बनाते अपनी मिठाई। भाई सावन का महीना आते ही त्यौहार स्टार्ट होने लगते हैं, तो इन महीनों में बहुत ही मन करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और खाएं। लेकिन आज हम ऐसी मिठाई बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम पनीर, इसे कर लेते हैं ग्रेट। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पनीर कितना प्रोटीन से भरपूर होता है और खाने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए पनीर तो हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है, इसे कर देते हैं साइड। यहाँ पर ले लेते हैं एक मिक्सर जार, इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर मखाने। इन्हें हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था। मखाने भी फाइबर से भरपूर होते हैं, हड्डियाँ मजबूत करते हैं। और थोड़े से डालते हैं यहाँ पर बादाम, जो एनर्जी से भरपूर हैं। तो सबसे पहले इन्हें बारीक करके हमें पीस लेना बिल्कुल अच्छे से। तो भाई यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार, एक फाइन पाउडर हमें बनाना, वो हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अपनी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम पनीर। तो यहाँ पर हम कोई घी का यूज नहीं करेंगे, बिना घी के मिठाई बन के तैयार होगी लो कैलरी की, तो बहुत ही टेस्टी एकदम शानदार मिठाई बनने वाली है। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज़ मिस ना करें और बहुत ही आसानी से बन भी जाएगी। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट के लिए पनीर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ज़्यादा देर हमें नहीं करेंगे और कलर चेंज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इसे हमें करना है। तो यहाँ पर पनीर हमारा हो चुका है, यहाँ पर डाल देते हैं नारियल का बारूदा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और मीठे को बैलेंस भी कर देता है। इसी के साथ डाल देते हैं अपना हम मखाने और बादाम का पाउडर, और अच्छे से पनीर में हमें कर देना है मिक्स। भाई मिठाई तो आपने काफ़ी तरह खाई होगी, लेकिन सच माने ये मिठाई इस तरह से बन के तैयार होगी जो देखने में तो बहुत ही शानदार होगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगी। भाई हमने सोचा आज ऐसी मिठाई शेयर करी जाए कि जो बहुत ही अच्छी हो खाने में भी और हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम डार्क चॉकलेट, इसे हमें मेल्ट करना। तो फ्रेंड्स इस मिठाई में हम चॉकलेट का यूज करेंगे, कोई चीनी बूरा गुड़ का नहीं करेंगे। और डार्क चॉकलेट बहुत ही फायदेमंद होती है, एनर्जी से भरपूर होती है और कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ही लाभदायक होती है और तनाव को भी दूर करती है। तो आज डार्क चॉकलेट की ही मिठाई बना के तैयार करते हैं। यहाँ पर हमारा मिक्सर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसमें से हम पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो मैं आगे बताती हूँ आपको कि हम किस लिए से निकाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो पनीर का मिक्सर है वो हमने निकाल लिया, जो हमारा बचरा उसमें हमने जो डार्क चॉकलेट मेल्ट की थी उसे डाल देते हैं। भाई मीठा बहुत ही ज़्यादा होता है चॉकलेट के अंदर, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है चॉकलेट। आजकल बच्चे नहीं बड़े भी बहुत ही शौक से खाते हैं चॉकलेट, लेकिन डार्क चॉकलेट फ़ायदेमंद है, इसलिए हम डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे इस मिठाई बनाने के लिए। भाई सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना बिल्कुल बड़े तरीके से। तो चॉकलेट मुझे अभी थोड़ी यहाँ पर कम लग रही है, तो हल्की सी हम और डाल देते हैं, जिससे अच्छे से हमारा पनीर चॉकलेट के अंदर मिक्स हो जाए बिल्कुल बड़े तरीके से। तो फ्रेंड्स ये मिठाई 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस मिठाई बनने में। जैसे कि हम बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं काफ़ी टाइम ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी सेट भी हो जाती है। तो देखें यहाँ पर अच्छे से हमारी चॉकलेट मिक्स हो चुकी है बिल्कुल बड़े तरीके से, इसे साइड कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक ट्रे। तो यहाँ पर मैं बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्रे का यूज कर रही हूँ, आप कोई थाली वगैरह किसी में भी कर सकते हो जो भी आपके पास है। उसमें बटर पेपर लगा के अच्छे से अपना मिश्रण डाल देते हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना। भाई सावन के महीने में मिठाई ना बने ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आज मैंने सोचा ऐसी मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस मिठाई को कोई भी खा सकता है। जैसे कि भाई बहुत लोग मीठा नहीं खा पाते या अवॉइड करते हैं खाना, लेकिन ये मिठाई ऐसी है दिल खोल के खाइए, बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमें इसे सेट कर देना। यहाँ पर हमारा मिश्रण अच्छे से सेट हो चुका है, अब बारी आती है हमारे दूसरे स्टेप की। यहाँ पर जो मैंने पनीर का मिश्रण बचाया था उसे हमें डाल देना है, जिससे कि मिठाई हमारी दो लेयर की बनके तैयार होगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसे अच्छे से हमें फैला देना और सेट कर देना। तो फ्रेंड्स मिठाई तो आपने काफ़ी तरह की आएगी, ये बिल्कुल यूनिक मिठाई बन के तैयार होगी, और सिर्फ दो चीज़ों से, ना मावा, ना मिल्क पाउडर, ना मैदा, ना सूजी, ना आटा। बहुत ही लाजवाब मिठाई बन के तैयार होगी, वो भी लो कैलोरी की। भाई अगर एक मिठाई में इतने फ़ायदे हों तो क्यों ना बनाएं, क्यों ना खाएं, बनानी जरूर चाहिए और जो बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। तो यहाँ पर अच्छे से ऊपर से हम डालेंगे चॉकलेट का मिश्रण और अच्छे से मैं फैला देना इस तरह से। तो बहुत ही आसान है ये मिठाई बनाना, बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है। तो फ्रेंड्स बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट पसंद आजकल के टाइम में,
लेकिन हम मना करते हैं बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए। लेकिन इस मिठाई देखने के बाद आप बच्चों को चॉकलेट खाने से नहीं रोकोगे, बल्कि खुद ही ये मिठाई बना के तैयार करोगे। भाई इतने त्यौहार आ रहे हैं, आप कभी भी इसे बना सकते हो जब भी आपका मन करे। तो यहाँ पर ये हमारे अच्छे से सेट हो चुकी है। ऊपर से जो हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई बचाई थी मैंने, उसे हमें डाल के अच्छे से कवर कर देना। इससे क्या होगा, देखने में मिठाई हमारी बहुत ही खूबसूरत लगेगी और चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही उभर के आएगा मिठाई के अंदर। भाई हम चॉकलेट की मिठाई बना रहे हैं तो इसलिए चॉकलेट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए मिठाई के अंदर। ये भी हमारे बड़े तरीके से सेट हो चुके हैं। अब इसे डेकोरेट करेंगे बिल्कुल भाई मार्केट स्टाइल में। यहाँ पर लेंगे थोड़े से पिस्ता बारीक कटे हुए, इन्हें अच्छे से हमें डाल देना। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हो अपनी मनचाहा। तो लेकिन मैं सारी चीज़ें इसमें ऐसे डाल रही हूँ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और बच्चे बड़े बहुत ही आसानी से खा भी लेंगे। यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से डाल देते हैं काजू। भाई सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब बारी आते हैं हमारी टूटी फूटी की, जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मिठाई का लोग बढ़ा भी देती है। यहाँ पर आप जो भी चेरी वगैरह और डालना चाहो तो बारीक कट करके डाल सकते हो, लेकिन टूटी फूटी भी बहुत सुंदर लगती है जब मिठाई के ऊपर डालती है। थोड़े से यहाँ पर लेंगे हम स्प्रिंगर कलरफुल। चॉकलेट की मिठाई में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और इनसे टेस्ट और लुक बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से हमने ऊपर फैला दिया है। भाई 1000-1200 वाली मिठाई को ना फेल कर दिए तब कहना। तो फ्रेंड देखने में नहीं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसे हमें अच्छे से सेट कर देने हैं ड्राई फ्रूटों को, जिससे कि निकले ना। चॉकलेट में बिल्कुल बड़े तरीके से हमारे हो चुके हैं सेट, तो बिल्कुल अच्छे से हमने कर दिए हैं। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो देख रहे हैं हमने 10-15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देना इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो अपनी मिठाई को हम चेक कर लेते हैं। चलिए निकालते हैं फ्रिज से बाहर। तो भाई देखिए यहाँ पर हमारी मिठाई बड़े तरीके से सेट हो चुकी है। तो इसे हम ट्रे में से निकाल लेते हैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमें मिठाई अब कट करनी है। तो देखेंगे हमारी मिठाई किस तरह से बनके तैयार हुई है। सबसे पहले इसका बटर पेपर हटा देते हैं। तो बटर पेपर इसी वजह से लगाते हैं जिससे कि मिठाई हमारी आसानी से निकल जाए। वैसे आप बिना बटर पेपर के भी बना सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। यहाँ पर हम कट करेंगे अपनी मिठाई को, तो बिल्कुल बर्फी की शेप देंगे हम इसे। देखिए कितनी आसानी से हमारी कट हो रही है, एकदम बड़े तरीके से सेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये मिठाई बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, बिना झंझट के मिठाई बनके तैयार हुई है। और कितनी आसानी से कट रही है हमारी मिठाई, ना इतनी सॉफ्ट बनी है कि बिखर जाए, ना इतनी हार्ड है जो कटे ना। तो देखिए अच्छे से हमने इसे कट कर देना बिल्कुल चकोर पीसों में। आप अपने मनचाहे छोटे बड़े साइज में कर सकते हो। तो हमारी मिठाई बहुत ही कलरफुल बनकर तैयार हुई, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स ये महंगी महंगी मिठाई को भी फिल कर देगी और बहुत ही कम पैसों में बनकर तैयार हुई है। आप इसे कभी बना सकते हो, कोई भी स्पेशल ओकेशन है उस पर बना सकते हो, बच्चे का बर्थडे तब बना सकते हो। भाई सबको बहुत ही पसंद आने वाली है, मैं कह नहीं रही, आप इसे बना कर देखिए, ट्राई करिए और तब मेरे को कमेंट करके बताइए। तो मिठाई का लुक देखिए कितनी शानदार हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, और बीच में से जो व्हाइट लाइन नज़र आ रही है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर ले लेते हैं प्लेट और प्लेट में लगा देते हैं अपनी सारी मिठाई। तो इसी तरह से हमें लगा देना। तो देखिए कितने बड़े हमारे पीसेस आराम से निकल चुके हैं और ना ही झंझट हुई है, और इतने आराम से ही मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ऐसी मिठाई ज़रूर बना के ट्राई करें। भाई इन मौसम में मिठाई वगैरह बहुत ही अच्छी लगती है खाना, और बनाते भी सब हैं, तो क्यों ना यूनिक तरीके की मिठाई बना के तैयार करें, बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम सारी मिठाई प्लेट में लगा देते हैं। देखिए इस तरह से कितनी खूबसूरत हमारी मिठाई बनके तैयार हुई, और खाने में तो इसका जवाब नहीं। भाई खाने वाला खाता रह जाएगा, जो भी देखेगा उसके मुंह में तो आ जाएगा पानी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखला देती हूँ मिठाई हमारी अंदर से किस तरह से बनके तैयार हुई है। तो देखिए कितनी बड़े हमारी एकदम यमी मिठाई बनके तैयार हुई, अंदर जो व्हाइट लहर आ रही है उसके तो क्या कहने, भाई देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और बच्चे बड़े इस पर टूट पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।